तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ गोलू और ये है पूजा, और हम करने वाले हैं आज अपना गेमिंग पीसी बिल्ड। यो पीस पीस आता नहीं है, फिर भी हम करेंगे कोशिश। तो नॉर्मल लोग पहले स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड से सारा, उसको अटैचमेंट के साथ, हम पता नहीं कैबिनेट के साथ क्या करने वाले। तो हम पहले कैबिनेट को कर देते हैं साइड। यस, स्टार्टिंग हम करेंगे हमारे मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड हम यूज करें B450 टॉमहॉक मैक्स। अनबॉक्सिंग हो जाए मदरबोर्ड की दोबारा से। अरे इधर रखना चाहिए भाई, बंद तो कर दे इसको इज्जत से, डब्बा बंद करना भी जरूरी है। इस पीसी बिल्ड के अंदर हम कर रहे हैं राइजन 5 3600 6 कोर 12 थ्रेड्स का उपयोग। देखो सीधी बात है, पहली बार हम कर रहे हैं, जो भी बकेती हो रही है उसको एक्सेप्ट करें और इंजॉय करें, इसको निकाल दीजिए कृपया। मैं पास से दिखा नहीं सकता, बिना गिराए मैं दिखा सकता हूँ। ये है राइजन का प्रोसेसर, लीजिए आप लगाने वाली थी। याद है कैसे लगाना है? ट्रायंगल मिलाना है मुझे। बस ट्रायंगल मिलाना है हमको। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। इसका ट्रायंगल कहाँ है वैसे? एक बार ये रहा। प्रोसेसर हमने लगा दिया है। देखो दोस्तों, पर्सनली हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि प्रोसेसर लगाना बहुत आसान काम है। जैसा कि बताया जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब हमने लगा दिया प्रोसेसर। इसके ऊपर कोई लैमिनेशन है तो वो हम हटा देते हैं, देखना। ऐसा ही होता है जब दोनों बड़े वेल बैक्ड हैं पीसी बिल्ड करने, तो उन्हें लगता है कुछ कुछ, बट होता कुछ नहीं है। रैम गाइस हम यूज कर रहे हैं T-Force DDR4 गेमिंग डेल्टा RGB। RGB है बहुत जरूरी, लाइट निकलती है इसमें से। 32 MHz की है गाइस, 16 GB 16 GB की रैम है हमारी, 8 GB की 2 sticks। सबसे पहले हमें इसे ओपन करना होता है बेटा। यस, एक में हमने लगा दिया है सबसे आसान काम, पसीना निकल गया। चलिए अब आप लगाइए। आगे वाले लगाने की जरूरत पड़ी क्या तेरे को? प्यार से लगाना, सारा पैसा तेरे ही लगा। हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है रैम, सारे स्विच, आवाज आई गई होगी आपको टक टक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज के अंदर। पंखा चला ले, गर्मी लग गई है फ्रेंड्स। अब हम लगाएंगे इसमें M.2 SSD 250 GB। क्या SSD? ओके, कुछ नहीं, सब ठीक है फ्रेंड्स। क्लोज लुक देने का मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश में, थेली फाड़नी नहीं आती इनको फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको। अरे दांत से काट ले, ठीक ले तू काट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किया है इन्होंने इसके साथ। अगर तेरे में थोड़ी अक्कल बुद्धि होती तो तू इसी को बाहर निकाल लेती पकड़ के। हम भी देखते तुम कितने, ये देखो, क्योंकि मैंने आधा फाड़ रखा। ओ हाँ। कैसे गया? जब भी छोड़ो, मैं डायरेक्ट डाल ही देता। अभी तक हम कंफ्यूज हो गए थे M.2 स्लॉट का क्या सीन है, बट हमें सॉल्यूशन मिल गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फाइनली फाइंड आउट किया है। तो ये जो छोटी सी चीज थी उसको हमें कहीं से खोल के कहीं और लगाना था, तो अब हमें मिल गया। हम लगा देते हैं M.2 हमारी SSD, हमारी M.2 स्लॉट SSD। मेरे को पता नहीं इसको ऐसे ही प्रोनंसिएट करते हैं या नहीं, बट ये ऐसी ही कोई वस्तु है।
अब हम ग्राफिक्स कार्ड लगा देते हैं। ग्राफिक कार्ड अभी नहीं, सीपीयू में जाने के बाद लगेगा। तो तुम मुझसे पूछ ही क्यों रहे, जब तेरे को पता है कि क्या क्या लगाना है। करवा दो। अब हम करेंगे इसको फिक्स हमारे उसके अंदर। ना पहले इसके ऊपर वो लगाना है कूलर, इसका प्रोसेसर का। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर कूलर। यस, उसके बाद फिक्स करेंगे। समझ रहे हो? आराम से साइड में चीजें निकाल के रख। ये है हमारा कॉम्पैक्ट कूलर, छोटा वाला। गाइस अगर तुम एमडी के प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो बहुत अच्छी चीज है कि उसके अंदर थर्मल पेस्ट लगा था, और ये हमें पता नहीं था क्या था। इस पर हमेशा उंगलियां लगा लगा के देख रहे थे। इस पर अभी भी फिंगरप्रिंट्स हैं। अरे दबाना नहीं है। हाँ, दबा रही नहीं हूँ। क्या निकल गया नीचे से? कहाँ से कसो? भाई एक सेकंड, हट। वो नीचे चले गए। हाँ, मैं तेरे को बोल रही हूँ नीचे से क्या निकला है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये निकल जाता है नीचे से। ध्यान रखिएगा अगर आप कभी भी ऐसा पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अस इज टू फिक्स सीपीयू कूलर ऑन सीपीयू। मां कसम, इतना टाइम लगाना जिंदगी में। फाइनली हमने चाय नहीं पिया अपन ने। सीपीयू हम लोगों ने लगा लिया है, नहीं सॉरी, सीपीयू के ऊपर हमने कूलर लगा लिया है। और इस कूलर को लगाना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। तो ये हमारी ग्राफिक्स कार्ड है शायद, इसके ऊपर शायद गीगाबाइट आई थिंक कुछ RTX, आई डोंट नो क्या चीज है ये। अब हम लगाएंगे हमारा मदरबोर्ड। लाइट ऊपर चाहिए मेरे को, इधर नहीं चाहिए, खड़ी हो जा तू। मेरे को इधर चाहिए ना, लेकिन सो गाइस हमारे पास पूरा सामान नहीं है। तो गाइस हमें खोया हुआ सामान फिर से मिल गया है। अब हम आए हैं इसको लगाने के लिए। ये हेडलाइन में गाइस है वो स्लाइड में नहीं दिखता हर रीटेक के बाद। और गाइस कैसे हो? पीस ये आप उपयोग ना करें अगर आप अपना पीसी बिल्ड कर रहे हैं। मेक श्योर ये इसको उल्टा करके देखिए, ये करके इस पे टपक गया। अच्छा ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इट्स वेरी इरिटेटिंग जब तुम्हें कोने में घुस के कुछ टाइट करना हो तो इधर ले आओ लाइट। अब हम कहीं से देखें? अरे इधर रखना, कहीं सी गवा रे रे। ये मैं कर लेती हूँ स्क्रू टाइट। उसके हाथ ही नहीं चल रहे, मोटे मोटे हाथ है इसके। ले भाई शपथ। तो हमने बेसिकली मदरबोर्ड को फिक्स कर लिया है अच्छे से हम लोगों ने। हाँ बस श्रद्धा खत्म। तो इसको लगाने के हमें इसको उठाना पड़ेगा। ये जो वस्तु है ये, और ये इस काम में से किसी को कोई सिर्फ इस पिन का पता है मेरे को ये किधर जाएगी। क्योंकि इस पिन का स्लॉट एकदम बराबर एक ही स्लॉट है, बाकी आई हैव नो आइडिया अबाउट दीज ऑल। ये शायद ग्राफिक्स कार्ड में लगती है। सब पे लिखा हुआ तो है, पढ़ पढ़ के लिखना ना। Alright, my boys. हम लोगों ने लगा लिया पावर सप्लाई, सब कुछ इसमें लग चुका है। सब कुछ के पावर सप्लाई तो लगा है। अभी सिर्फ एक चीज बची, ग्राफिक कार्ड और इतने सारे तार। Alright, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग ये तार और लगा करके फिर मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। जिंदगी में अगर कोई हेल्प करने वाला होता तो मजा आ जाता फ्रेंड्स। अब हम लगा रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड, हमने ऑलमोस्ट सेटअप कर दिया है। अभी बहुत सारी पहेलियां सुलझी नहीं है हमसे। क्या इधर से खोल, बोल तो रहा हूं। क्यों इधर से प्लेट निकाल लिए पूरा, वो खोलना नहीं है। चलो इस ट्राई स्क्रू लेकर के अब हम लगाए हैं गाइस ग्राफिक्स कार्ड, जो कि मेरे लिए आई थिंक हम दोनों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि
और हमें ये नहीं पता है कि हमने ये क्यों खोला। ऑलराइट लॉन्डो, अच्छा हम लोगों ने ग्राफिक्स कार्ड एकदम बराबर मक्खन फिक्स कर दिया। हम लोग लगे हैं इसके अंदर कितने बजे, 6 बजे से, हां 6 बजे से 10:30 हुए और हम लोग इसको अभी तक असेंबल ही कर रहे थे। स्टिल हम लोगों ने इसको असेंबल ठीक से पता नहीं किया है या नहीं किया है क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी कुछ केबल्स ऐसे ही लटक रही है बाहर। अबे इतनी सारी लटक रही है अभी? हां ये सारी एसएसडी की है, बोल तो रहा है मैं। नहीं ये क्या है? ये भी एसएसडी है सेम। अच्छा ये सारी केबल्स मेरे को लग रहा है एसएसडी की है और ये क्या था? ऑक्सिलरी केबल्स हैं जो सीपीयू को एक्स्ट्रा पावर देती है जो कि हमारे पास नहीं है या हमें मिला नहीं है जो ये। तो हम लोगों ने सब कुछ कनेक्ट कर दिया अपना आरजीबी वारजीबी सारे एकदम ग्राफिक्स कार्ड में पावर ऑर्डर दे दिए। अब हम इसको जाने लगाने वाले कनेक्ट करने वाले हैं किससे? मेन पावर से। सो ऑल द बेस्ट टू अस। हम लोगों ने इसको मेन पावर से कनेक्ट, रुक जा सुचो तभी तो चल रहा है मैं ऑन कर दूँ सुचो चल इसकी मार की यहाँ पे रुक मैं ऑन कर। ये अब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब हम इसको ऑन कर रहे हैं, सुचो चल रहा है। जय हो जय हो चल गया हमारा लौंडा देख सक। अरे क्या ही लग रही है लाइट्स, ओह माय गुडनेस थ्रू लव। ऑलराइट लॉन्डो हम लोगों ने, मैं इसको एक बार निकाल लेता हूँ ताकि अच्छे से हम दिखा सकें। बट उसकी जो लाइफ चल रही है वो देखना। ये है अपना सीपीयू लॉन्डा एकदम करें शहर वाला 16 GB रैम एएमडी का कूलर विद प्रोसेसर राइजन राइजन 5 3600 16 GB ऑफ रैम और सब कुछ लग चुका है। यहाँ से ये कुछ ऐसा दिखता है लॉन्डो और सामने से सब फ्रंट कुछ ऐसा है, पीछे से कुछ ऐसा सा है। पीस पीस बंद कर दे, साथ में पीस कर साथ में पीस करता हूँ। बीच में ऐसा ब्लू क्यों है पूरी फैमिली ब्लू क्या? हम लोग आज ब्लू पार्टी बना रहे थे, ऐसे करेंगे सब लोग पीस पीस पीस। हो गया चलो बाय बाय। अब हम जो भी करेंगे बाद में बताएंगे, पूरा बूट करने के बाद इंस्टॉलेशन करने के बाद सारे मिलते हैं। बाय बाय टाटा स्टूडियो, गुड नाइट।